लोकसभा चुनाव को लेकर वाराणसी का चुनावी रण सज चुका है। यहां से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से अजय राय को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एसपी की ओर से शालिनी यादव को बतौर गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर टिकट दिया गया है। ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल यही उठ रहे हैं कि वाराणसी के चुनावी दंगल में मोदी की राह कितनी आसान, वाराणसी में किससे होगा पीएम मोदी का असली मुकाबला। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में अजय राय कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार थे। उस चुनाव में करीब 76,000 वोट पाकर अजय राय तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं एसपी ने ऐसे उम्मीदवार पर दाव लगाया है जो मेयर के चुनाव में बीजेपी की मृदुला जायसवाल से मात खा चुकी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की राह इस बार 2014 से भी आसान है। यही वजह है कि बीजेपी नेता रिकॉर्ड मतों की जीत का भरोसा जता रहे हैं। वाराणसी लोकसभा सीट पर करीब 18 लाख वोटर हैं, जिनमें जाति के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 2 लाख कुर्मी, 1 लाख यादव, 2.5 लाख मुस्लिम, 70,000 राजपूत, 2 लाख बनिया वोटर हैं। इसके अलावा करीब 1.5 लाख भूमिहार और 2 लाख ब्राह्मण वोटर हैं। सबसे ज्यादा वोटरों की बात करें तो यहाँ कुर्मी समाज के काफी वोटर वाराणसी लोकसभा में है, खासकर रोहनिया और सेवापुरी क्षेत्र में ये संख्या ज्यादा है। इस सीट पर वैश्य, यादव और मुस्लिम वोटरों की संख्या निर्णायक भूमिका में होती है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी को कुल वोट का करीब 56.37% वोट मिले थे, वहीं आपको 20.30%, कांग्रेस को 7.34% वोट पाने में कामयाब हुए। इसके अलावा बीएसपी को 5.88 और एसपी को 4.39% वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में पीएम मोदी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 3,71,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इस सीट पर केजरीवाल को 2 लाख वोट मिले थे, जबकि नरेंद्र मोदी को 5,81,000 वोट मिले थे। सियासी जानकारों की माने तो इस बार मोदी के सामने पूरा मैदान खाली पड़ा है। पिछले 5 साल में बनारस में बहुत विकास काम हुए हैं। विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं जो मौजूदा समय में मोदी को टक्कर दे सके। हालांकि विपक्ष जातीय गोलबंदी के जरिए मोदी के सामने चुनौती पेश करने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाबी मिलने की संभावना बहुत कम है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मोदी इस बार यहां से कितने वोटों से चुनाव जीतते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।